क्या आप लोगों को पता है कि पिछले 2019 अगस्त से कश्मीर लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, वो आर्टिकल 370 हो या कोविड 19 लॉकडाउन, हमारी इकॉनमी पूरी तरह क्रश हो चुकी है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी को समझ में नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट्स से फिर भी एग्जामिनेशन ऑफ फ़ी जो है एडमिशन फ़ी वो उतना ही मांग रही है जितनी पैंडमिक से पहले थी। हमारे पेरेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो लेबरर्स, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको परमानेंट किया जाए, उनके जो बच्चे पढ़ते होंगे यूनिवर्सिटी में वो कहाँ से लाएंगे फ़ी। जो हमारे सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, किसी का 80,000, किसी का 90, किसी का 1,20,000 है, लेकिन यूनिवर्सिटी फ़ी रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। UGC की गाइडलाइन भी है कि आप किसी भी स्टूडेंट से उनको फोर्सफुली उनसे फ़ी नहीं ले सकते, कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटीज़ भी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी हमें लास्ट डेट का अल्टीमेटम देके हमसे फ़ी ले रही है फोर्सफुली। हमने इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार से भी, कंट्रोलर से भी बात की, बट उन्होंने हमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है। अब हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारी डिमांड, हमें लगता है VC साहब तक नहीं पहुँची है, वो हमारी लास्ट होप है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और स्टूडेंट्स की मांग सुने, उनकी मांगें पूरी करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सफर है इस कोविड 19 लॉकडाउन के, बीट कोविड 19 लॉकडाउन आर्टिकल 370, हम स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। हमें पढ़ाई में इतनी प्रॉब्लम होती है, हर किसी को घर पर ब्रॉडबैंड लगवाना पड़ा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस देनी थी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स 2G उनको एक्सेस नहीं है घर पर, उनको आना पड़ा श्रीनगर। वी वॉन्ट 75%, हमें 75% कंसेशन चाहिए, क्योंकि जो फ़ी है हमारा 10,000, हमने पिछली बार एग्जामिनेशन फ़ी 1650 था, स्टूडेंट्स ने उसको भी 1150 करवाया, इसका मतलब वो 1650 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस टाइम 10,000 एडमिशन फ़ी कहाँ से लाएंगे, ये तो रेगुलर स्टूडेंट्स हो गया। सिर्फ ये बताइए कि आप यूनिवर्सिटी के कौन से स्टूडेंट्स हैं? हम PG स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर।